हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम इन सर्च मी, ऑल इन वन दुनिया, आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम एक रिक्रूटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। SBI में रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पूरी डिटेल। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और जो पद है इसमें वो ऑफिसर पदों के लिए है, 5,000 से भी ज़्यादा पदों के लिए, 5,280। 22 नवंबर से ऑलरेडी ये स्टार्ट है और लास्ट जो डेट है वो 12 दिसंबर है जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरीके की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है फॉर द 5,280 पदों के लिए। और आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाके चेकआउट और अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग सिटी वाइज वैकेंसी निकाली गई है, जैसे अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, उत्तर पूर्वी, हैदराबाद, जयपुर और इसके साथ साथ लखनऊ, कोलकाता, महाराष्ट्र, मुंबई, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम। तो इन शहरों के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी है। आप अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की। एज की बात करें तो 21 से 30 साल के पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है जो भी रूल के अकॉर्डिंग है, जो अदर कैटेगरी के लिए। फीस की बात करें, जनरल OBC EWS के लिए 750 या 750, SC ST PH के लिए फ्री है, कोई भी फीस नहीं है। सिलेक्शन जो होगा वो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, दो मोड में रहेंगे, दो सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला है ऑब्जेक्टिव, फिर है डिस्क्रिप्टिव, मतलब रिटर्न एग्जाम। और ऑब्जेक्टिव में आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और इसमें जो सिलेबस होगा ऑब्जेक्टिव वाले में वो इंग्लिश, बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा। और जो सेकंड होगा वो डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटर्न एग्जाम होगा, जो इंग्लिश राइटिंग का रहेगा और जिसमें 50 मार्क्स का रहेगा और आपको आधा घंटा मिलेगा सॉल्व करने के लिए। और बाकी आप डिटेल इनका वेबसाइट पर या नोटिफिकेशन पर जाके चेकआउट कर सकते हैं जी। तो ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो 22/11 से 12/12 तक, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। आप कौन सी सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो उस वाइज वहाँ की आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आपको आनी चाहिए। जैसे चंडीगढ़ के में आपको यहाँ पर दी गई है उर्दू, हिंदी, पंजाबी जी। और यहाँ पर चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली के लिए हिंदी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये पोस्ट, टोटल पोस्ट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशन या इंस्ट्रक्शन दी गई है। बिफोर अप्लाई द एप्लीकेशन, एज लिमिट के बारे में बताया गया है, असेंशियल क्राइटेरिया दिया गया है तो उससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया, कैटेगरी के बारे में है, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग और करियर पाथ के बारे में बताया गया है। फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन, इतने मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, जनरल कंडीशन के बारे में बताया गया है, तो उससे रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिया गया एग्जाम सेंटर से रिलेटेड पूरी डिटेल। उसके बाद ये एप्लीकेशन लिंक है, यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर दिया है तो लॉगिन पे करके आप आगे का प्रोसेस या पेंडिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, क्लिक करके आगे का जो भी प्रोसेस है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पर्सनल और आपको एजुकेशनल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अपलोड से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो आपको सबमिट, अपलोड करके पेमेंट करके फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, नोटिफिकेशन या प्लस जॉब से रिलेटेड या जो भी वैकेंसी से रिलेटेड अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आके चेकआउट और अप्लाई
कर सकते हो। जी तो ये थी बेसिक डिटेल रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। होप्स ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। नोटिफिकेशन की सभी लिंक आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।